नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। स्केचअप ट्यूटोरियल जो मेरा वीडियो सीरीज है उसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में, कैसे आप स्केचअप में यूनिट्स को सेट कर सकते हैं और कैसे कैसे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम सैम्पल इंचीज, सिंपल इंचीज, आर्किटेक्चरल सिंपल मीटर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लो हम सिंपल इंचीज या आर्किटेक्चरल इंचीज हम यूज कर रहे हैं, और मान लो मैंने आर्किटेक्चरल इंचीज यहां से यूज किया। अब जो मेरा यूजर इंटरफेस ओपन होगा वो आर्किटेक्चरल इंचीज के साथ ओपन होगा। अब कैसे हम यूनिट्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं, विंडोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा मॉडल इन्फो। मॉडल इन्फो पे क्लिक करें। मॉडल इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट की, आप यूनिट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको डायमेंशंस चाहिए, उस पर आप यहाँ पे वर्क करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आर्किटेक्चुरल, और आर्किटेक्चुरल में लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम तीनों चीजें फिक्स हैं इन इंचेस। कैसे वर्क करेंगे वो मैं बात करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ली और मैंने यहाँ पे एक लाइन ली। अब देखो लाइन जब आप ले रहे हो, आगे मैं डिस्कस करूंगा वीडियोस में कि अगर आप ग्रीन डायरेक्शंस की तरफ ले रहे हो, जो ग्रीन आपकी एक्सिस है, तो जैसे ही उस एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो स्नैप करेगा। रेड की तरफ लोगे तो उस पे स्नैप करेगा, और अगर ब्लू सिलेक्शन की तरफ लोगे, ब्लू एक्सिस की तरफ, तो वो उसे स्नैप करेगा। ये चीजें आप विद द हेल्प ऑफ एरो भी कर सकते हैं। अगर आप एरो पे क्लिक करते हैं, अगर आप लेफ्ट एरो करते हो तो ऑन ग्रीन एक्सिस, राइट करते हो तो ऑन रेड एक्सिस पे आएगा, और अगर आप अप एरो क्लिक करते हो तो ऑन जेड एक्सिस पे आप इसको स्नैप कर सकते हो। क्लियर? तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन एक्सिस पे चलता हूं, और मान लो मैंने ग्रीन एक्सिस पे यहाँ पे मेजरमेंट डाल ली 15। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे 15 कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इन लेंथ, यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा 15। 15 प्रेस करके मैंने एंटर कर दिया तो आपकी एक 15 की लाइन लगी। अब ये 15 है इंचीज, मैंने कोई यूनिट यहाँ पे नहीं डाली थी, सिर्फ 15 मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो वो 15 लिया है उसने इंचीज। और अगर मैं आर्किटेक्चरल से हटके इंजीनियरिंग पे चलता हूँ, यहाँ पे देखो फिट आपका फिक्स है। और अगर अब मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 15 एंटर, तो ये 15 फिट की लाइन है। अब अगर मेरे को देखना है, इसको चेक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो आपका डायमेंशन टूल है यहाँ पे क्लिक करें। डायमेंशन चेक करने के लिए आप दोनों एंड पॉइंट पे क्लिक करके भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, या फिर किसी एक सिंगल लाइन पे मिडल में क्लिक करके भी आप डायमेंशन को ऐसे यहाँ पे ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1.2500 फिट एंड 15 फिट। ये इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग किया हुआ। अगर मैं आर्किटेक्चरल करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसने क्या दिखाया, 1 फिट 3 इंचीज एंड 15 फिट। आर्किटेक्चरल में इंचीज यहाँ पे फिक्स है, तो ये आपका वर्क करेगा फिट एंड इंचीज में। ये किसी भी डायमेंशंस को अगर आपको दिखाएगा यहाँ पे, तो वो फिट और इंचीज में यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ से प्रिसाइज कर सकते हो कि कितना आपको प्रिसाइज करना है। अगर आप जीरो प्रिसाइज करोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, वन सेकेंड, 1/16 का प्रिसाइज है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करता हूँ तो वो आपको दिखाएगा 0.2500 फिट। अगर मैं प्रिसाइज यहाँ पे जीरो करता हूँ तो वो 1 फिट दिखाएगा, बिल्कुल राउंड फिगर में। अगर मैं 0.0 फिट करूंगा तो 1.3 फिट दिखाएगा, और अगर मैं करूंगा 0.00 फिट तो 1.25 फिट दिखाएगा। ये इंचीज आपके शो नहीं करेगा। अगर आपको इंचीज शो करना है तो आप आर्किटेक्चरल पे जाएं, जिसमें वो आपके फिट के साथ साथ आपके इंचीज भी यहां से शो करेगा। क्लियर है? तो आर्किटेक्चरल में आप फिट और इंचीज में वर्क करते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें उसमें आप ओनली फिट में वर्क करते हैं। यहां से आप चूज कर सकते हैं डेसिमल। अब डेसिमल पे क्लिक करोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि लेंथ को मेरे को इंचीज में रखना है। तो इसने डायरेक्टली आपको दिखाया यहाँ पे 15.00 इंचीज एंड 180 इंचीज, उसने 15 फिट को कन्वर्ट कर दिया। यहां से प्रिसाइज चूज कर सकते हो, अगर आप जीरो करते हो तो डायरेक्टली 15 इंचीज वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर 0.0 करोगे तो 0.0 एक डेसिमल प्लेस आपका वो वहां पे इंक्रीज करेगा और प्रिसाइज कर देगा आपकी वैल्यू को,
कि जितनी भी छोटी वैल्यू होगी अगर पॉइंट में भी कोई वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि इंचीज नहीं मेरे को फिट में चाहिए तो आप यहाँ पे फिट पे क्लिक करो तो यहाँ पे दिखाएगा देखो 1 फिट प्रिसाइज 0 है, 0.0 करोगे 1.3 फिट, अगर आप और प्रिसाइज करोगे तो 1.25 फिट यहाँ पे दिखाएगा, और प्रिसाइज करोगे तो 1.250 फिट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। यहां से आप चूज कर सकते हो कि मेरे को मीटर में वैल्यू निकालनी है तो आप मीटर में अपना वर्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहां से सेंटीमीटर पे करना चाहते हो आप सेंटीमीटर में अपना वर्क कर सकते हो, तो यूनिट्स को वो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, आप किसी भी यूनिट पे काम कर सकते हैं और बाद में आप उस यूनिट को चेंज कर सकते हैं। ये तो लेंथ, आप एरिया ऐसे देख सकते हैं, आप वॉल्यूम ऐसे देख सकते हैं, क्लियर। आप यहां पे क्लिक करके फ्रैक्शनल भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल में आपका आएगा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले, इंचीज में वर्क करेगा तो आप डिस्प्ले प्रिसाइज यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे प्रिसाइज है। ये फ्रैक्शनल आपका आर्किटेक्चरल की तरह है जिसपे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने डेसिमल में वर्क किया और यहाँ पे सेंटीमीटर कर दिया, अब सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रहा है 38.8 सेंटीमीटर, मैंने प्रिसाइज 0 किया तो 38 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले ना हो सेंटीमीटर तो यहाँ पे है डिस्प्ले यूनिट फॉर्मेट, आप इसे अनचेक कर दें तो आपका सेंटीमीटर यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर देख सकते हैं कोई भी यूनिट पे अगर आप वर्क करते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो यूनिट आपको ना दिखे तो आप डिस्प्ले ऑफ कर सकते हो यहाँ से और ऑन कर सकते हो। जैसे ही मीटर किया 0 प्रिसाइज था तो 0 मीटर इसने दिखाया, प्रिसाइज को हम बढ़ाते हैं तो 0.38 मीटर वो आपको और राउंड फिगर में आपको और इसको और अच्छे से प्रिसाइज करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है स्नैप करने के कि अनेबल लेंथ स्नैपिंग, कि जब लेंथ को स्नैप करेगा 1-1 फिट पे वो स्नैप करता है, स्नैप ना करे तो ऑफ कर सकते हैं, वो अनेबल यहाँ से नहीं होगा, वो स्नैप नहीं करेगा लेंथ को। अगर आप एंगल यूनिट की बात करते हैं तो एंगल स्नैपिंग को भी आप ऑफ कर सकते हो तो एंगल को भी स्नैप नहीं करेगा, अगर कोई रोटेट कर रहे हो कुछ भी तो वो एंगल पे भी स्नैप करता था। आप यहाँ पे स्नैपिंग भी डाल सकते हो कितने कितने डिग्री के एंगल पे मेरे को स्नैपिंग करनी है, यहाँ से आप डिग्री को और प्रिसाइज कर सकते हो कि कितना प्रिसाइज आपको यहाँ पे स्नैपिंग में चाहिए। तो ऐसे करके आप अपनी यूनिट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस भी यूनिट पे आपको काम करना है। जरूरी नहीं है कि आप वेलकम स्क्रीन से जो यूनिट पे आ रहे हैं आप उसी पे काम करेंगे, आप यहां से अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को यहां पे कर सकते हैं। तो ये था कैसे आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं इन स्केचअप। आगे चल के अब हम बात करेंगे कुछ टूल्स के बारे में, जो ये वाले टूल्स हैं आपके लाइन टूल, फ्री हैंड, रेक्टेंगुलर टूल, इन सब पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हैं आप इसे शेयर करें, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और भी आगे लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।